आज मैं आप लोग को कुछ जो है सो रूबरू कराता हूँ कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ ऐसे कि मान के चलिए होता नहीं कि, कि कुछ आपका कुछ लोग होते हैं जो बड़ा तारीफ़ करते रहते हैं आपका बच के रहिएगा जरा उनसे जी मान के चलिए कि तारीफ तो आप करते रहते हैं लेकिन वो कहानियाँ सुने हैं ना कोयल वाला वो लोमड़ी वाला वो क्या होता है कि कोयल कोयल को एक बार रोटी मिल जाता है लेकर पेड़ पर बैठा हुआता है और लोमड़ी को लोमड़ी रहता है चलाक जनवे करता है चलाक लोमड़ी के कहानी की कहानी का टाइटल रहता है तो जो क्या कहता है ए भाई तुम गाना इतना छाते हो कहा बैठे हुए जी इतना मधुर गाना गाते कोई गाता है धरती पे कोई नहीं गाता तुमने जैसे कुछ सुनाओ ना तो कोयल कहता है ना कुछ बोल नहीं रहा था ये बोलेंगे तो रोटी गिर जाएगा लेकिन फिर भी देख रहा है चलाक लोमड़ी तो बड़ा चलाक है इतना से नहीं हो रहा है ए महाराज कह गा का ही नहीं रही इस धरती पर कोई है जे आपके अलावा ऐसा जैसा गाना गाएगा नहीं ना तो कोयल को अब रहा नहीं गया कहता कि तुम खुशी के मारे जो सो अब वो जैसे गाना गाना स्टार्ट कर दिया जैसे ही गाना गाना स्टार्ट हुआ कि उसके रोटियाँ गिर गया और रोटियाँ गिर गया तो कहा बात ख़त्म है रोटियाँ लेके जो लोमड़ियाँ चल दिया है अब लोमड़ी चल दिया तब समझ गए होंगे ना कि इसीलिए ज्यादा जो तारीफ़ कर रहा है उसके उससे भी थोड़ा सा के रहिएगा कि तारीफ़ कहाँ कर रहा है इसीलिए कहते हैं कुछ लोग जो होते हैं सो आपका सामने से अगर आपको बुराई बताते हैं वो लोग आपके पर्सनल दोस्त हो सकते हैं ठीक है आपके शिक्षक हो सकते हैं आपके माता पिता हो सकते हैं इससे तो क्या होता है कि जब भी आपको कोई माता पिता आते हैं को तो आप गलतियाँ कर देते आपको डांटते हैं आपको सामने से बताते हैं आप गलती कर रहे हो बेटा ठीक है या शिक्षक बताते हैं वो तो पिटाई करते हैं आपको इसलिए बताते हैं हो सकता है तो आपको तारीफ़ कर सकते थे लेकिन तारीफ क्यों नहीं किए तारीफ़ इसलिए नहीं किए कि आपको बताना चाहते हैं कुछ समझाना चाहते हैं आपको जो बुराई है बताना चाहते हैं ठीक है आपको उन गलतियों से बचाना चाहते हैं जिनसे आपका भारी नुकसान फ्यूचर में होने वाला है ठीक है उन गलतियों से बचाना चाहते हैं ना जो फ्यूचर में नुकसान वाला होने वाला उसका प्रेजेंट से आपको बचाना चाहते हैं और शिक्षक तो आपके लिए वही करेगा जो आपके लिए अच्छा होगा ना कि आपको अच्छा लगेगा हमने शिक्षक और माता पिता चाहे आपको जो भाई बंधु बड़े हैं आपके लिए वही ना करेगा जो आपके करियर के लिए आपके जो पूरे जिंदगी जीवन के लिए अच्छा होगा ये नहीं कि आपको अच्छा लगेगा आपको अच्छा क्या लगेगा आपको अच्छा लगेगा खेलने में अच्छा लगेगा आपको गाली गलोज करने में अच्छा लगेगा गुली डंडा खेलना उन्हें ना करना है आपको क्या करने बोलते हैं आपको समय से जाकर पढ़ाई करना है समझ से जाकर सब काम करना है ठीक है इसीलिए बोलते हैं कि गुली डंडा तुम कभी खेलोगे भाई